वेलकम टू नॉलेज गुरु जी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टेट का इस बार का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पाठ्यक्रम की संरचना इस बार क्या रहने वाला है 2018 में। तो देखिए, बाल विकास एवं शिक्षण विधि से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 नंबर के। दूसरे सेक्शन से आएगा आपका भाषा प्रथम हिंदी, इसके भी 30 प्रश्न होंगे कुल 30 नंबर के। तीसरे सेक्शन में आपके भाषा द्वितीय अंग्रेजी अथवा संस्कृत अथवा उर्दू से कोई एक पूछा जाएगा, 30 प्रश्न होंगे इसके 30 नंबर के। देखिए, चौथे सेक्शन में आपका आएगा मैथ, यानी कि मैथ के कुल 30 प्रश्न होंगे कुल 30 नंबर के। पांचवे में आपका जो पूछा जाएगा पर्यावरण अध्ययन, इसके भी कुल 30 प्रश्न होंगे कुल 30 नंबर के। देखिए, 30 प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन से पूछे जाएंगे 30 नंबर के, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं बाल विकास और अध्ययन से जो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाएंगे इस सेक्शन में। तो देखिए, विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, बालकों के विकास के सिद्धांत, अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक अभिभावक और मित्रगण, पाई गेट, कोलबर्ग और बायोगेस्ट की निर्माण और विवेचित संदर्भ, बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार, इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन से देखिए, पूछा जाएगा कि शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तित्व विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के बीच अंतर विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संदर्भ व्यवहार, ये पूछा जाएगा, ठीक है। शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, इस सेक्शन से पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए, खास सेक्शन में आपका आ जाता है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना, इससे कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखते हैं, गैर लाभप्रद और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। देखिए, दूसरे से क्या पूछा जाएगा, अधिगम संबंधी समस्या, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना। तीसरे सेक्शन से पूछा जाएगा मेधावी सृजनशील विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, ठीक है। अब देखिए, इसमें अधिगम और अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा देखते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, अधिगम और अध्यापन में पहले सेक्शन से बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, इस सेक्शन से पूछा जाएगा। और दूसरे सेक्शन से क्या पूछा जाएगा, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्य नीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम और अधिगम के सामाजिक संदर्भ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, नेक्स्ट में क्या पूछा जाएगा, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में ही पूछा जाएगा बालकों में अधिगम की वैकल्पिक कल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। और नेक्स्ट सेशन में ये पूछा जाएगा बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, भाषा सेकंड में आपके कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि का आ जाता है बोध गम्यता, इसमें कुल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखते हैं, दो अनदेखे गए गद अनुच्छेद, तर्कमूलक अथवा साहित्यिक अथवा वर्णनात्मक अथवा वैज्ञानिक, जिनमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक
योग्यता से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए खा में आपके भाषा विकास का जो अध्यापन होगा उसमें कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि जैसे कि हो गया आपके पहले सेक्शन से अधिगम और अर्जन, दूसरे से हो गए भाषा अध्यापन के सिद्धांत, नेक्स्ट हो गया सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हो जाता है आपका मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ। नेक्स्ट आपका जाता है एक मित्र कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, भाषा कौशल। और नेक्स्ट आपका जाता है भाषा बोधगम्यता प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है अध्यापन अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संशोधन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मान लीजिए आप लोग। ठीक है, और जो नेक्स्ट पूछा जाएगा उपचारात्मक अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए भाषा फर्स्ट में, सेकंड भाषा में आपके 30, कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें का में भाषा बोधगम्यता में 15 प्रश्न होंगे, जिसमें कि अपठित अनुदेशों को पढ़ना, दो अनुच्छेदों में एक पद अथवा नाटक और एक कविता, जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे, गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक अथवा तर्कमूलक हो सकते हैं। और खा में देखिए जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके भाषा विकास का अध्ययन, जिसमें जिसमें से कुल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 नंबर के। ठीक है, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ। और भाषा कौशल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट आपका अध्यापन अधिगम सामग्रियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जाता है मैथ, तो कुल मैथ से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और विषय वस्तु से कुल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जिस मैथ में देखिए ज्योमिति, आकार और स्थानीय समूह, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं, जोड़ना और घटाना, गुणा करना, विभाजन, मापन, भार, समय, परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न, राशि। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ में। और जो भाषा का जो विकास आपका है, विषय वस्तु, सॉरी विषय वस्तु, इसमें से कुल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और खास सेक्शन से क्या क्या पूछा जाएगा, अध्यापन संबंधी मुद्दे, इसमें कुल 15 क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, जिसमें कि गणित, तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा तो अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन। ठीक है, इस सेक्शन से ये इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, ये भी पूछे जाएंगे शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए आ जाता है पर्यावरणीय अध्ययन, जिसमें कि कुल 30 प्रश्न होंगे और का में विषय वस्तु से 15 प्रश्न होंगे, जिसमें कि इसमें जो जिसे सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे परिवार और मित्र संबंध, कार्य और खेल, पशु पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वे चीजें जो हम बनाते और करते हैं। ठीक है, और खास सेक्शन से देखिए अध्यापन संबंधी मुद्दे, कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला जिसकी ईवीएम की अवधारणा और व्याप्ति, ईवीएम का महत्व, तो एकीकृत ईवीएम। ठीक है, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, वैज्ञानिक सॉरी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने की दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सीसीई, और शिक्षण सामग्री, उपकरण, समस्याएं। तो दोस्तों ये था टेट का सिलेबस जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। देख सकते हैं आप लोग पूरा पूरा सिलेबस मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।